हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होपफुली बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है 75 डेज हार्ड चैलेंज का 10वां दिन। आज 10 दिन हो गया मुझे करते हुए और मैं बहुत ही अच्छे से कर रही हूँ। थोड़ा सा टफ है टफ लग रहा है बाकी वेट लॉस रूटीन से ये वाला, बट कोई ना, इसे भी करने में मज़ा आ रहा है अब तो आदत हो गया कि अभी ये करना है वो करना है। शाम वाला वर्कआउट अभी बाकी है, उसको फटाफट से कर ले, टेंशन फ्री हो जाए, ऐसे सोच के मैं फटाफट से निकलती हूँ पार्क और वॉकिंग करके आती हूँ और कल तो मैंने थोड़ी रनिंग भी करी थी, तो मैं सोच रही कि वॉकिंग के साथ साथ थोड़ा सा मैं रनिंग भी स्टार्ट करूँ। तो जैसे 1 मिनट का रनिंग, मतलब कुछ देर वॉक, फिर 1 मिनट का रनिंग, फिर वॉक, फिर 1 मिनट का रनिंग, ऐसे कर करके धीरे धीरे बढ़ाना है मुझे। तो फाइनली जो मॉर्निंग का मेरा रूटीन था पानी वगैरह पीना, वो सब मैंने पी लिया है और अभी मैं आ गई हूँ अपना वर्कआउट्स कंप्लीट करने। तो अभी मैं कर रही स्ट्रेचिंग, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा आप वर्कआउट कर रहे होते हो या फिर हार्ड वर्कआउट कर रहे होते हो तो हमारी बॉडी पेन होती ही होती है। नॉर्मल, मतलब अगर सिर्फ आप वॉकिंग कर रहे हो तो उसमें कोई बॉडी पेन नहीं होता है, बट अगर आप वर्कआउट्स कर रहे हो तो थोड़ी बहुत बॉडी पेन होती है। और जो लोग न्यू होंगे, स्टार्ट अभी कर रहे होंगे वॉक सॉरी एक्सरसाइजेस वगैरह, उनकी बॉडी तो बहुत पेन होती है, तो ऐसे कमेंट्स भी आते हैं। तो आप लोग टेंशन ना लिया करो, ठीक है? स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, हफ्ता भर, 5-6 दिन हफ्ता भर ऐसे लग जाता है, फिर उसके बाद से बॉडी पेन नहीं होता है, नॉर्मली होता है, एकदम से नहीं ख़त्म होता बट नॉर्मली होता है। अगर आप हार्ड वर्कआउट कर रहे हो तो नॉर्मली पेन होता है, ठीक है? तो अभी देखो मैं कर रही, अभी मैं आपको ना ये 4 एक्सरसाइज मैं आप लोग को स्पेशली बताऊँगी, उसको आप कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू का मतलब एक साथ में ये चारों करके ना, अभी देखो देखो मैं कर रही हूँ ना लेग रेजेस, इसको करना है 20-20 का 4 सेट या फिर 3 सेट आप कर लो, ठीक है? 3 का ही कर लो अभी स्टार्ट में, आगे चल के आप लोग इसको बढ़ा देना, 4 सेट करना, ठीक है? उसके बाद से दूसरा एक्सरसाइज है ये अल्टरनेट, ये इस तरह से करना है पैरों को, और 1, 2, 3, 4 ऐसे काउंट करके 20 बार। ये नहीं कि एक पैर ये उठ रहा तो उसको भी काउंट करना है, दूसरा वाला उठ रहा तो उसको भी काउंट करना है, नहीं, दोनों मतलब उठाने के बाद एक बार काउंट करना है, ओके? उसके बाद से ये वाला वर्कआउट, ये एब्स के लिए है, आपका जो पेट पर चर्बी है ना वो ख़त्म करता है। पेट वाली चर्बी बहुत सारा मैंने शेयर किया है, तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक ही करना है, ठीक है? अलग अलग आपको करना है, अलग अलग दिन। फिर इसके बाद से इस तरह से होल्ड करना है, आपको जितने देर आप होल्ड कर मतलब रोक सकते हो, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, ठीक है? उतने देर आप रोकना, वो चारों एक्सरसाइज को ना एक साथ करना है। उसके बाद से एक सेट करने के बाद फिर से दूसरी सेट करिएगा इसी तरह से चारों एक साथ, फिर तीसरा सेट करिएगा चारों एक साथ, ठीक है? और बाकी अभी मैं कुछ एक्सरसाइज कर रही, जैसे अभी जंपिंग जैक वगैरह, जंपिंग जैक का भी ना बहुत मतलब अच्छा वाला मतलब रिजल्ट मिलता है। एक तो पूरी बॉडी का चर्बी ख़त्म होता है, और दूसरे जो हम लेडीज़ों में ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है अंडरआर्म्स जो होता है, उसके आर्म में फैट जो होता है वो, और अंडरआर्म्स एरिया जो होता है वो फैटी हो जाता है, तो उसको भी जंपिंग जैक से वो ख़त्म होता है, ठीक है? बट हाँ, कंटिन्यू आप करेंगे कोई चीज़ तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। बाकी ये कुछ न्यू एक्सरसाइज हमने शेयर किया है, तो इसको भी आप अपने एक्सरसाइज में शामिल करें। ये सब पेट के लिए ही है। बहुत गर्मी लगती है, बहुत गर्मी, हालत ख़राब हो जाती है रूम में। बाबू नहीं, उसके बाद से ये वाला वर्कआउट मैंने किया था, इसको मैं दिखा रही इसलिए पास से मैंने लिया है कि देखो कैसे पेट पर असर पड़ता है, ये देखो कैसे मुड़ रहा है ना पेट, तो इसकी चर्बी जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से बर्न होती है इस तरह से वर्कआउट्स करने से, ठीक है? बाकी इसको मैं शेयर कर चुकी हूँ ये वाला वर्कआउट। उसके बाद से सारा वर्कआउट करने के बाद लास्ट में मैंने ये किया कपालभाति, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आपसे जितनी देर होता है कपालभाति भी किया करें, इससे भी पेट का जो चर्बी है ना वो ख़त्म होता है।
और एक सिस्टर का कमेंट है कि उनका कहना है कि पैकेट वाला दही खा सकते हैं क्या? तो हाँ डियर, खा सकते हो पैकेट वाला दही, बट पैकेट वाले में कई तरह का दही आता है ना, एक मीठा वाला आता है, एक फुल क्रीम वाला आता है, एक टोंड मिल्क वाला आता है, तो आप प्लेन वाला लेना, टोंड मिल्क वाला, ठीक है? और मैं तो सजेशन दूंगी कि आप घर ही पे जमा के खाया करो, क्योंकि मैं भी मतलब अपने लिए घर पे ही जमा के मतलब दही खाती हूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। सर्दी हो वैसे, बिल्ली हो रखी है, ठंडा ठंडा लग रहा है आप। और मेरा 2 लीटर पानी कंप्लीट हो गया है और अभी टाइम हो रहा है 9:10। 10 मिनट बाद मैंने पानी पिया है। एक्सरसाइज मेरा 9 बजे ख़त्म हुआ है, 8 बजे से मैंने शुरू किया था और 2 लीटर पानी मैंने कंप्लीट, इसी बोतल से मैंने 2 लीटर पानी पिया और 2 गिलास ऐसे पिया, मतलब जो सुबह गर्म वाला पी थी ना पानी, वो 2 गिलास ऐसे और इस बोतल से दो बोतल मैंने पी लिया, तो 2 लीटर मेरा कंप्लीट हो गया पानी। और अब मैं जा रही हूँ, कपड़े चेंज करूँगी, नाइटी डालूँगी, रोटी बनाऊँगी, रोटी बना के उन लोग को दूँगी। मशीन में मेरे कपड़े हैं तो कपड़े डाल रखे हैं, तो उसको मतलब वॉश हो गया है, बाहर ले जाके उसको डालना है, तो वो डाल के और उसके बाद से फिर मैं नहाऊँगी, फिर मैं कुछ खाऊँगी। और हाँ, वर्कआउट करने के पहले मैंने 1 पीस आम खाया था, बड़ा आम था तो उसका 1 पीस, 1 टुकड़ा मैंने खाया था, उसके बाद से वर्कआउट्स किया। ठीक है, चलो मिलेंगे थोड़ी देर में, पहले कपड़े चेंज कर लेते हैं, देखो कैसे गीला हो रखा है, पीछे जो सब गीला हो रखा है। एकदम थकान सी हो गई, आज बहुत अच्छा वर्कआउट किया। और ब्रेकफास्ट में मैं ली हूँ अमरूद, और उसके बाद से 1 पीस मैंने मैंगो भी लिया था, तो ये मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। तो ये है लंच टाइम, और मैंने खिचड़ी बनाया हुआ था, तो खिचड़ी प्याज और करेले की सब्जी, तो ये मेरा लंच हो गया, मैं लंच कर लूँगी। खिचड़ी काफ़ी अच्छा लगने लगा है, बट काफ़ी टाइम से मैं खा रही हूँ, तो अब चेंज करूँगी मैं, तो अब इसके जगह पे कुछ और लूँगी, जैसे दलिया हो गया, ओट्स हो गया, ये सारी चीज़ें शामिल करना है, और बीच बीच में खाते रहेंगे खिचड़ी भी, बट अभी चेंज करना है, तो अभी ओट्स वगैरह मुझे लाना है मार्केट से, क्योंकि ओट्स मेरा ख़त्म है, दलिया तो फ़िलहाल है। तो ये हो गया शाम का टाइम, आउटडोर वर्कआउट मैं कंप्लीट करने के लिए आ गई हूँ पार्क में, और मैं वॉक कर लूँगी फटाफट से, तेज़ तेज़ वॉक, वॉक और रनिंग मैंने दोनों किया था। ठीक है, बादल बादल हो रखा, बारिश हो चुका है, फिर बादल बारिश की संभावना है, देखो क्या होता है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी आ गई हूँ, 5:30 हो रहा है अभी, तो जल्दी जल्दी आ गई हूँ, टहल के भाग जाऊंगी। कोई है नहीं पार्क में, जस्ट आ रहे हैं पार्क से, 5:30 बजे गए थे, 55 मिनट वॉक किया मैंने, इतनी उमस लग रही थी पार्क में, बादल बादल, इसके पहले थोड़ी सी बारिश हुई थी, मतलब ज़्यादा नहीं हुआ था, मुझे टहलने को मिल गया था, नहीं तो मैं तो, जैसे बारिश होता है शाम के टाइम में, तो मुझे टेंशन हो जाता कि मैं बाहर वाला जो वर्कआउट है उसको कैसे पूरा करूँगी। तो फिलहाल बंद था और मैं आराम से वॉक करके आ गई हूँ, बहुत उमस लग रही थी क्योंकि बादल बादल सा था, बिल्कुल गुमगुमाया हुआ था मौसम, इसकी वजह से बहुत गर्मी लग रही थी। घर आके मैं पी रही हूँ गर्म पानी, और मेरा 3 लीटर पानी कंप्लीट हो गया है, और अभी 6:30 हो रहा है, 1 लीटर बचा हुआ है, तो आराम से रात तक पी लूँगी मैं। 11 बजे तक पानी कंप्लीट करती हूँ, कभी कभी 10 बजे तक, 9 बजे तक हो जाता है, बट मतलब कभी कभी, मतलब रात में तो जगना ही होता है, वीडियो एडिट वगैरह करती हूँ, तो थोड़ा बहुत जो पानी बचा रहता है तो मैं छोड़ देती हूँ कि 11:30 बजे तक तो जगना ही है, तो आराम से उस टाइम भी पी लेंगे, क्योंकि उस टाइम तक पानी मतलब प्यास लगती है, तो आराम से 4 लीटर हो जाता है। बहुत गर्मी हो रही है, देखो जब इसमें ऐसे बोलना पड़ता है ना तो पंखे बंद करने पड़ते हैं, और इतनी गर्मी लग रही है। तो चलो मैं अभी बुक नहीं मैंने पढ़ा है अभी, तो जाऊंगी अभी मैं बुक पढ़ती हूँ, और अभी रूटीन आधा लिखा है आधा नहीं लिखा है तो उसको फिल करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना दिन भर का रूटीन लिख रही हूँ, और मतलब टाइम टू टाइम मैं लिखते रहती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ ना, मैं शाम तक भूल जाती हूँ कि मैंने क्या क्या किया था, मैंने क्या कुछ खाया था।
तो मैं लिख लेती हूँ थोड़ा थोड़ा टाइम, जैसे जो भी मैं कर लेती हूँ आके फटाक से लिख लेती हूँ। डायरी अपनी मैं बेड पे ही रखती हूँ, और फिर कुछ किया फिर लिख दिया, फिर कुछ किया फिर लिख दिया, ऐसे करके। तो अभी ये मैं शाम का लिख रही हूँ, मैं वॉक वगैरह करने के आने के बाद का। और अभी था मेरे बुक पढ़ने का टाइम, तो अभी मतलब फ्री भी थी मैं, तो मैंने बुक पढ़ लिया। और बुक में क्या पढ़ा आप लोग देखो, प्रसन्नता का महत्व। जीवन में प्रसन्नचित रहना ही आपकी लोकप्रियता का कारण है। जिस बीमारी का इलाज बड़ी से बड़ी दवा न कर सकती, उसका इलाज यह है सस्ती औषधि कर देती है। सही बात है। बाकी आप लोग पेज इतना थोड़ा सा जो लाइन है उसको पढ़ लो आप लोग, ठीक है? बहुत ही अच्छी लाइन है। हेलो, तो डिनर में मैं ले रही हूँ मिक्स फ्रूट, पपीता, नाशपाती, आधा केला, एक छोटा टुकड़ा आम का, उसमें 6-7 पीस हैं, एक एप्पल। तो मैं ये खाऊंगी, इस पे इसके ऊपर से मैंने काला नमक छिड़क लिया। भाई ये पानी कंप्लीट करना है, ये इतना पी लूंगी तो 4 लीटर पूरा हो जाएगा। तो अभी 8 बज रहा है, इसको खाने के 1 घंटे बाद ही मैं पानी पीऊंगी। 9 बजे से 11 बजे के बीच में मैं उसको फिनिश कर लूंगी आराम से, तो मेरा 4 लीटर पानी पूरा हो जाएगा। मिक्स फ्रूट टेस्टी लग रहा है, अलग अलग स्वाद आ रहा है। गिर जाओगे, मोबाइल गिर जाएगा। तो मैं इसको फिनिश कर लेती हूँ और रूटीन भी लगभग पूरा ही हो गया। अब तो कुछ खाना पीना नहीं है, बस पानी ही पीना है, तो मैं पूरा कर ही लूंगी 11 बजे तक। तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ, ठीक है? चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरा सा भी वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करिए, फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दिया करिए, उन लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, जो लोग भी अपना वेट लॉस करना चाहते हैं आराम से कर लेंगे, मतलब वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, तो शेयर कर दिया करें। तो कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी मतलब, तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है? सभी लोग के कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, 1 से 2 दिन के अंदर में मतलब कर ही देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं ना। तो चलो, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, बाय कर दो, बाय करो, नहीं, बाय। एक क्वेश्चन याद आया, नाम तो याद नहीं आ रहा, उनका कहना है कि आप अपने फैमिली वालों के लिए शाम के टाइम में मतलब खाना नहीं बनाते हो क्या? बनाते हैं डियर, आपको देखना है। मैं खाना बनाती हूँ। ये तो मेरा, मैं अपना सारा रूटीन दिखाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, बाकी सारा घर का काम मैं करती हूँ। मतलब शाम का खाना भी मतलब इन लोगों के लिए बनाना ही रहता है, इन लोगों के लिए, हस्बैंड के लिए। हस्बैंड तो मेरे जैसे ही हैं, शाम के टाइम में कभी कभार जैसे कुछ अच्छा बन रहा है या फिर वो मतलब उनको भूख फील हो रहा है, तो वही क्लिनिक से फोन करेंगे कि आज मैं खाना खाऊंगा, तो खाना खाते हैं, नहीं तो वो शाम को खाना नहीं खाते, मतलब रात को खाना नहीं खाते हैं। वो भी जो खाना रहता है, शाम के 6 बजे वो क्लिनिक जाते हैं तो तभी खा पी के चले जाते हैं, अदरवाइज ऐसे नहीं कुछ खाते हैं, ठीक है? इन लो है, और उनको बाहर का खाना नहीं पसंद है, मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बाहर से खाना, जैसे हम लोग बाहर खाना भी जाते हैं ना, तो मतलब चाहे तो उन लोग के लिए, वो लोग तो होटल में जाते ही नहीं खाने, तो चाहे तो उन लोग के लिए हम पैक करवा लाए, लेकिन नहीं, वो लोग नहीं खाते बाहर का खाना। मैं अगर शादी पार्टी में जा रही हूँ या फिर होटल में खाना खाने जा रही हूँ, तो मैं इन लोग के लिए या तो बना के जाऊँगी या तो आके बनाऊँगी। आके बनाना तो इतना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि लेट हो जाता है, तो मैं बना करके जाती हूँ, तो इन लोग को घर का ही खाना चाहिए। ठीक है, तो मैं ही बनाती हूँ, मैं अपना ये सारा अलग करती हूँ, मैं अपनी खिचड़ी अलग बनाती हूँ, मेरी खिचड़ी को ही कोई नहीं खाता है, मैं खुद खाती हूँ सिर्फ अकेले। बाबू मेरा कभी खा लेता है, इसको पसंद है, बट कोई और नहीं खाता। मैं स्पेशली अपने लिए, मतलब घर वालों का खाना बनाने के बाद मैं अपनी खिचड़ी बनाती हूँ दोपहर में। मेरे घर वाले जो है 10 बजे तक खाना खा लेते हैं, चावल ये लोग खाते नहीं, डायबिटिक पेशेंट है तो नहीं खाते, बहुत रेयर चावल खाते हैं, तो सुबह में ही मेरा दाल रोटी सब्जी जो भी है वो सुबह में ही बन जाता है, वो लोग सुबह में ही खा लेते हैं, दोपहर में कोई नहीं खाता, सिर्फ मैं खाती हूँ दोपहर में खाना, और बेटी आती है स्कूल से तो उसको देती हूँ बस।
तो जो ये सब कुछ करती हूँ मैं स्पेशली अपने लिए करती हूँ, बाकी घर वालों का तो अलग काम है।